आरडी शर्मा सॉल्यूशन देख रहे हैं, क्लास 11th है, चैप्टर 29 लिमिट्स, एक्सरसाइज है 29.8। क्वेश्चन नंबर 9 है इसमें, पाई बाई टू माइनस एक्स साइन एक्स माइनस टू कॉस एक्स डिवाइडेड बाय पाई बाई टू माइनस एक्स प्लस कॉट एक्स। तो एक्स टेंड्स टू पाई बाई टू है, जब एक्स टेंड्स टू पाई बाई टू है तो आप क्या करेंगे, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट में कोई भी ले सकते हैं आप। तो आप इसको पाई बाय टू, ये जो जहां जहां आप देखेंगे एक्स, यहां आप रखेंगे पाई बाय टू माइनस एच, राइट। एक्स की जगह आप रखेंगे पाई बाय टू माइनस एच, तो जैसे ही आप ये रख लेंगे एच टेंड्स टू जीरो हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि जहां जहां आप एक्स देख रहे हैं वहां पाई बाय टू माइनस एच रखेंगे। तो यहां पर मैं दिखा देता हूं आपको, यहां हमने पाई बाय टू माइनस एच रखा तो पाई बाय टू कैंसिल, केवल एच आया, यहां पर माइनस माइनस प्लस हो गया, एच आया। यहां पर है साइन एक्स की जगह पाई बाय टू माइनस एच, साइन 90 माइनस थीटा होता है, पाई बाय टू 90 है, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो कॉस एच हो गया, माइनस टू कॉस कॉस एक्स की जगह पाई बाय टू माइनस एच, तो कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, साइन एच हो गया। पाई बाय टू माइनस माइनस एक्स, बिल्कुल सेम इसी तरीके से आपका केवल एच बचेगा, ये एच हो गया। प्लस कॉट पाई बाय टू माइनस एच होता है टेन एच, यहां तक ठीक है। अब आप समझ के रखिए कि ये एच नहीं है, एक्स है। अगर एक्स आपको दिखाई देगा हर जगह तो आपको समझ में आएगा कि हमको ऊपर नीचे एक्स से डिवाइड करना है, लेकिन हम यहां पर एच से डिवाइड करेंगे। तो एच एच कॉस एच को एच से डिवाइड करिए, कॉस एच आएगा, टू साइन एच डिवाइडेड बाय एच, टू साइन एच बाय एच, एच को एच से डिवाइड करिए वन, टेन एच को एच से डिवाइड करिए, ये हो गया। अब इसमें लगाइए लिमिट, कॉच कॉस एच टेंड्स टू जीरो हो गई लिमिट, कॉस जीरो क्या होता है वन माइनस टू, ये तो वन हो जाएगा, तो माइनस टू इंटू वन, ये वन है, ये वन, टेन एच बाय एच क्या होता है वन, तो नीचे वन, वन माइनस टू बाय टू, तो माइनस वन बाय टू आ गया इसका। इसमें है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाय पाई बाय फोर माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। तो कैसे कर सकते हैं इसको, पहले नजर में हम क्या किया जा सकता है इसमें। आप सबसे पहले क्या करेंगे, हो सकता है कि आप टेम्पटेड हो कि भाई हम एक काम करते हैं, एक्स की जगह पाई बाय फोर माइनस एच रख देते हैं, यही सोचेंगे जैसे हमने पिछले सवालों में किया है, लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं होगा। उसका कारण यह है कि आप कॉस पाई बाय टू अगर ये होता, पाई बाय टू माइनस एच रखते तो पिछले सवाल जैसे फायदा होगा या नहीं होगा आपको, क्योंकि कॉस पाई फिर उसके बाद आप पाई बाय फोर माइनस एच, फिर कॉस पाई बाय फोर माइनस एच, कॉस ए माइनस कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, लेकिन उससे कुछ फायदा हो ना हो। तो इसका अच्छा तरीका ये होता है, जहां आप इस तरीके से देखें कॉस एक्स माइनस कॉस साइन एक्स और कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, वहां ऊपर नीचे वन बाय रूट टू से डिवाइड कर दीजिए, मतलब रूट टू से डिवाइड कर दीजिए। तो अब आप देखें ये कॉस एक्स, रूट टू से हर चीज को रूट टू से डिवाइड कर रहे हैं, साइन एक्स को भी रूट टू से डिवाइड कर रहे हैं, ओके। ये मैं आपको बता रहा हूं, ये आपको समझ में आ जाएगा कि नीचे वाला कैसे बनेगा, ये वाला आप समझ जाएंगे तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स भी बन जाएगा। अब आप देखें ये है वन बाय रूट टू, आप जानते हैं कि ये क्या होता है, वन बाय रूट टू साइन साइन पाई बाय फोर हो या कॉस पाई बाय फोर हो, साइन 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री दोनों ही वन बाय रूट टू के बराबर होता है। तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, इसी की जगह लिख सकते हैं आप साइन पाई बाय फोर जो कॉस एक्स है, इसकी जगह आप कॉस पाई बाय फोर लिख सकते हैं, ये साइन एक्स है ही। तो क्या हो गया, ये साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये हो गया साइन ए माइनस बी, ओके ठीक है। सेम काम हम नीचे भी करेंगे, अगर नीचे करना चाहें आप इसके साथ भी कर सकते हैं, राइट, इसके साथ भी आप कर सकते हैं, लेकिन इसकी जरूरत अभी पड़ती है नहीं पड़ती है, हम ये देखते हैं अभी क्या हमें इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी, लेकिन ये जरूर है कि पाई बाय फोर माइनस एक्स आ गया हमारे पास आ गया। इससे फायदा ये हुआ कि डिनोमिनेटर में पाई बाय फोर माइनस एक्स ऑलरेडी है बस, आप लिमिट है एक्स टेंस टू पाई बाय फोर, तो लिमिट भी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। ये कितना हो गया पूरा, ये अपने आप व्हाट डू यू गेट, क्योंकि हमने ऊपर नीचे कहा था, तो यहां रूट टू हमने इंट्रोड्यूस किया, तो रूट टू से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, अपने आप हमने इंट्रोड्यूस किया है, तो ऊपर एक रूट टू तो मिलेगा ही आपको, ये वाला, ये पूरा हो गया साइन पाई बाय फोर माइनस एक्स, नीचे आपको पाई बाय फोर माइनस एक्स है ही, और फिर आपका कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आपका हो गया वन, ये वन हो गया, ये रूट टू है डिवाइडेड बाय। अब यहां पर आप लिमिट लगा सकते हैं, क्यों, क्योंकि कॉस पाई बाय फोर एक्स टेंड्स टू पाई बाय फोर है ना, कॉस पाई बाय फोर प्लस साइन पाई बाय फोर,
कॉस पाई बाय फोर क्या होता है, वन बाय रूट टू, अभी मैंने आपको बताया वन बाय रूट टू प्लस वन बाय रूट टू हो जाएगा, वन बाय रूट टू प्लस वन बाय रूट टू, टू बाय रूट टू हो गया, ये टू डिवाइड बाय रूट टू हो गया ये, ठीक है, रूट टू पर गया रूट टू इंटू रूट टू टू हो गया, नीचे टू है कैंसिल हो गया, ये वन आ गया, ऐसा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है इसमें, रूट टू माइनस एन एक्स, ये हो गया आपका माइनस वन, और नीचे है पाई बाय टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब आप देखिए x टेंड्स टू पाई बाय टू है, जब x टेंड्स टू पाई बाय टू है तब आप पाई बाय टू माइनस एच वगैरह लगा सकते हैं, तो यहाँ का क्या करेंगे हम x की जगह रखेंगे पाई बाय टू माइनस एच, और जब x टेंड्स टू पाई बाय टू माइनस एच है तो h टेंड्स टू क्या होगा, h को यहाँ लाइए, x को यहाँ देख लीजिए क्या बन जाएगा, ये आपका h टेंड्स टू हो जाएगा जीरो। तो यहाँ पर हम h टेंड्स टू जीरो करेंगे, तो लिमिट हो गई h टेंड्स टू जीरो, यहाँ आपका बना अंडर रूट टू माइनस, अब ये x की जगह रख रहे हैं पाई बाई टू माइनस एच, तो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, यहाँ साइन पाई बाई टू माइनस एच बनेगा, x की जगह पाई बाई टू माइनस एच, साइन पाई बाई टू माइनस एच होता है कॉस एच, माइनस वन यहाँ पर है, ये पाई बाई टू माइनस एक्स है, वो तो हम पाई बाई टू माइनस एक्स जो है x की जगह आप देखिए यहाँ रखिए पाई बाई टू माइनस एक्स की जगह आप रख रहे हैं पाई बाई टू माइनस एच, तो पाई बाई टू प्लस एच हो गया, ये कैंसिल हो गया, आपका एच आया नीचे और एच का स्क्वायर है, एच स्क्वायर हो गया। अब आपको क्या करना है, ये जो ऊपर वाला है इसको करना है आर एफ से मल्टीप्लाई, रैशनलाइजेशन फैक्टर से, तो क्या करेंगे इसका प्लस लेके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि यहाँ हुआ है, आपको यहाँ दिखाता हूँ, हमने इसको लिया प्लस साइन लगाया ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपको ऊपर क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ये टू माइनस कॉस एच पूरा अंडर रूट है इसका होल स्क्वायर, यानी आपका बना टू माइनस कॉस एच बनेगा, और बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे आपका ये अपने आप इंट्रोड्यूस किया था आपने कौन सा, ये टू माइनस कॉस एच प्लस वन और इंटू एच स्क्वायर, ये हो गया ओके। अब आप देखिए ये है टू माइनस कॉस एच माइनस वन, यानी कि टू माइनस वन वन, वन माइनस कॉस एच बना, ऊपर वाला बता रहा हूँ आपको, कभी वन माइनस कॉस एच है, वन माइनस कॉस एच क्या होता है टू साइन स्क्वायर एच बाय टू, लेकिन एच स्क्वायर तो ऑलरेडी आपके पास है, तो नीचे आप एच स्क्वायर करिए और फोर से डिवाइड कर दीजिए, फोर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये पूरा का पूरा हो गया वन, पूरा का पूरा वन हो गया, और आपका ये आ गया टू, वन बाय टू बचा यहाँ से, वन बाय टू हो गया, वन बाय टू रख लीजिए। अब आपके पास क्या बचता है, ये वाला अंडर रूट टू माइनस कॉस एच प्लस वन, तो बस यहाँ पर लिमिट लगा दीजिए एच टेंस टू जीरो, तो अंडर रूट टू, अंडर रूट टू माइनस जीरो, यानी अंडर रूट टू माइनस जीरो, अंडर रूट टू इसमें टू माइनस जीरो, हाँ तो अंडर रूट टू माइनस वन, तो अंडर रूट टू माइनस वन हो गया वन, अंडर रूट वन, अंडर रूट वन वन होता है, और ये वन प्लस वन टू हो गया, तो वन बाय टू नीचे आ गया, तो वन बाई टू इंटू वन बाई टू वन बाय फोर हो गया, ऐसा ऐसे करेंगे इसमें। अब है सवाल संख्या 12, इसी तरीके से कुछ अपनाने की कोशिश करेंगे हम, रूट टू माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाय पाई बाय फोर माइनस एक्स। अब एक्स टेंड्स टू पाई बाय फोर है, तो हम एक्स टेंड्स टू पाई बाय आपका टू होता तो आप कुछ बात बन पाती, जैसे हमने पिछले सवालों में देखा, तो पहले तो आप वही काम करिए जो मैंने आपको अभी बताया, पहले इसको क्या करेंगे, देखिए ये रूट टू है, ये है रूट टू माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। सबसे अच्छा तरीका है रूट टू आप बाहर ले लीजिए, जैसे आप रूट टू बाहर लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ तो वन बनेगा, यहाँ बनेगा कॉस एक्स बाय रूट टू, यानी इसको वन बाय रूट टू लिख सकते हैं, और माइनस माइनस साइन एक्स वन बाय रूट टू, ठीक। अब यहां पर आप माइनस कॉमन ले लीजिए इन दोनों में, फिर प्लस कर सकते हैं आप, इन दोनों प्लस में आ गए। अब देखिए ये जो पिछले सवाल में किया था हमने वन बाय रूट टू क्या होता है, ये वाला हम इसको लिख सकते हैं कॉस पाई बाय फोर, और इसको लिख सकते हैं हम साइन पाई बाय फोर, ये क्या हो गया कॉस पाई बाय फोर कॉस एक्स प्लस साइन पाई बाय फोर साइन एक्स, तो क्या बनाए कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये हो गया कॉस ए माइनस बी, है ना। तो अब मैं इसको पूरा लिख रहा हूं रूट टू वन माइनस कॉस पाई बाय फोर माइनस एक्स। अब इसको आप मान के चलिए ये है वन माइनस कॉस थीटा, ये क्या बनेगा टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू, तो टू रूट टू तो बाहर है ही, साइन स्क्वायर थीटा बाय टू, ये थीटा पूरा ले रहे हैं तो पाई बाय फोर, पाई बाय फोर इसको आप इसको पूरा लिखिए पाई बाय फोर माइनस एक्स बाय टू,
ओके चलिए यहां तक आप आ गए। अब पाई बाय फोर माइनस एक्स बाय टू है, और अगर आप नीचे देखें तो आपके पास ये वाला टर्म पाई बाय फोर माइनस एक्स तो ऑलरेडी मिल रहा है ना, और ये साइन स्क्वायर है पाई बाय फोर माइनस एक्स, तो आप क्या करिए, नीचे आपके पास ऑलरेडी ये वाला टर्म पाई बाय फोर माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, आपको केवल क्या चाहिए, टू चाहिए, तो उसको टू स्क्वायर यानी कि फोर से डिवाइड कर दीजिए, फोर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये पूरा कितना बन गया, लिमिट लगाएंगे तो इसको बस साइन स्क्वायर थीटा बाय थीटा, इसको आप मानिए ये जो है साइन स्क्वायर, इस पूरे को थीटा मान लीजिए, तो बनेगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये थीटा थीटा स्क्वायर, साइन थीटा बाय थीटा का होल स्क्वायर है ना, तो आपका क्या है टू रूट टू आ गया, नीचे आपका फोर आया बाकी सारा चला गया, तो टू रूट टू बाय फोर, टू टू फोर तो रूट टू बाय टू हो गया, ऊपर नीचे आप रूट टू से मल्टीप्लाई कर दीजिए, टू हो जाएगा ये टू रूट टू, टू टू कैंसिल, वन बाय रूट टू आ गया, ये इसका उत्तर हो गया। सवाल संख्या है 13, इसमें है कॉट फोर एक्स माइनस कॉस फोर एक्स और पाई माइनस एट एक्स का होल क्यूब है इसमें, और लिमिट है एक्स टेंड्स टू पाई बाय फोर पाई बाय एट। अब पाई बाय एट लगाते हैं हमें क्या मिलेगा, अगर आप देखिए, अगर यहां पर एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, यहां पर एक्स की जगह पाई बाय एट माइनस एच लगा के देखिए, तो आपको मिलेगा कॉट फोर इंटू ये एक्स की जगह पाई बाय एट माइनस एच लगा रहे हैं हम, वही तो लगा पाएंगे, जब ये एक्स टेंड्स टू पाई बाय एट है, अगर एक्स टेंड्स टू पाई बाय एट है तभी तो हम पाई बाय एट माइनस एच रख सकते हैं इसमें, ओके यहां पर क्या आएगा माइनस कॉस फोर एक्स की जगह पाई बाय एट माइनस एच, ओके नीचे का भी मैं बाद में बताता हूं, पहले ये कर लेते हैं, तो ये हो गया। देखिए अब इसको जब फोर को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो क्या होगा, कॉट फोर फोर टू जै एट, ये हो गया पाई बाय टू माइनस टू फोर एच, ये हो गया ना पाई बाय टू माइनस फोर एच, और ये बनेगा कॉस फोर को अंदर ले जा रहे हैं पाई बाय एट इंटू फोर इज पाई बाय टू माइनस फोर एच, तो कितना है कॉट नाइनटी माइनस थीटा, टेन थीटा होता है तो टेन फोर एच हो गया, कॉस पाई बाय टू माइनस एच कितना होता है साइन फोर एच हो गया, ओके अब इस टेन फोर एच को लिखेंगे हम साइन फोर एच बाय कॉस फोर एच, लिख सकते हैं और ये है साइन फोर एच, पहले साइन फोर एच जरा कॉमन ले लीजिए दोनों से, बनेगा वन माइनस कॉस फोर एच माइनस वन, इसका मतलब ये हो गया साइन फोर एच वन माइनस कॉस फोर एच बाय कॉस फोर एच, तो इस कॉस फोर एच को मैं इसके साथ ले रहा हूं, ये कितना हो गया पूरा टेन फोर एच, तो बना टेन फोर एच, ये हुआ वन माइनस कॉस फोर एक्स, तो मैंने आपको कहा वन माइनस कॉस थीटा क्या होता है टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू, तो ये हो जाएगा टू साइन स्क्वायर फोर एच बाय टू यानी कि टू एच, यहां तक हो गया। अब देखिए हमारे पास नीचे क्या बनता है, हमारे पास पाई माइनस एट एक्स था, तो ये नीचे वाला बता रहा हूं आपको, पाई माइनस एट एक्स की जगह में क्या डालना है पाई बाय एट माइनस एच, तो पाई माइनस इसको मल्टीप्लाई करिए पाई और प्लस एट एच, ये हो गया राइट, तो एट एच हमको मिला इसमें, हमने पाई बाय एट माइनस ठीक है तो एट एच मिला, ये कट गया, तो आपका एट एच का होल क्यूब है, ये क्यूब था ना, मैंने पाई माइनस एट एक्स बताया आपको केवल, एक्स की जगह एट पाई बाय एट माइनस एच रखा है तो एट एच आया, तो एट एच का होल क्यूब हो गया ये, तो एट एच का होल क्यूब मतलब एट क्यूब और एच क्यूब, ठीक। अब आप देखिए इस एट क्यूब को तो अभी आप भूल जाइए, वन बाय एट क्यूब कर दीजिए, एच क्यूब को मैं ले रहा हूं, एक एच हम यहां इस्तेमाल कर रहे हैं और एक एच स्क्वायर हम यहां इस्तेमाल कर रहे हैं, एच क्यूब को हम लिख सकते हैं एच इंटू एच स्क्वायर, एक एच को यहां कर रहे हैं एक एच स्क्वायर को यहां कर रहे हैं, ठीक। अब हमको टेन फोर एच बाय फोर एच चाहिए तो फोर यहां मल्टीप्लाई करेंगे, फोर यहां मल्टीप्लाई कर देंगे, एक फोर ऊपर आ गया, अब ये क्या है साइन स्क्वायर टू एच है, तो आप इसको अगर टू एच होल स्क्वायर करना चाहते हैं तो बेसिकली फोर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, यहाँ फोर एच स्क्वायर हो गया ना, टू एच का होल स्क्वायर हो गया, तो आपको फोर यहां भी चाहिए होगा एक, ओके तो ये हो गया साइन टू एच बाय टू एच का होल स्क्वायर, अगर इसको आप फोर एच स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, टू एच का होल स्क्वायर तो लिख सकते हैं, वन हो गया, ये भी आपका वन हो गया राइट, तो आपका क्या क्या बनता है, एक तो फोर, एक यहां पर टू, एक यहां पर फोर बाय एट क्यूब, और आप देखेंगे ये आपका आ गया वन बाय सिक्सटीन,
कैसे आया करके देख लेते हैं। 8 × 8 4 2 8 2 8 2 16 1/16 आ गया, ऐसे आएगा। फोर्टीन क्वेश्चन है आपका कॉस एक्स माइनस कॉस ए बाय अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट ए। तो इसमें तो सीधा फॉर्मूला लगा देते हैं, ठीक है। एक्सटेंड टू ए है, कॉस ए माइनस कॉस ए माइनस कॉस बी, तो 2 − 2 साइड एक्स प्लस ए बाय टू एक्स माइनस ए बाय टू, ये तो ठीक हो गया। अब आप क्या करेंगे कि ये रूट एक्स माइनस रूट ए है, पहले तो ऊपर नीचे आप इसको रैशनलाइज कीजिए। ऊपर आप मल्टीप्लाई करेंगे रूट एक्स प्लस रूट ए से, नीचे आप मल्टीप्लाई करेंगे रूट एक्स प्लस रूट ए से। तो ये रूट एक्स प्लस रूट ए, तो ऊपर वाला इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम रूट एक्स प्लस रूट ए और रूट एक्स प्लस रूट ए से। ऊपर तो ये आ गया, नीचे क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन एक्स माइनस ए आया केवल, तो एक्स माइनस ए आएगा केवल। लेकिन आप यहां देख रहे हैं कि एक्स माइनस ए बाय टू है, तो बाय टू से मल्टीप्लाई करिए, टू से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये जो चीज है ना, ये पूरी यही चीज है जो आपकी आई हुई है, तो ये पूरी की, अब मैं इसको हटा देता हूं। ये कितना हो गया, ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा नहीं, टू को छोड़ के, पूरा का पूरा टू को छोड़ के कितना हो गया, वन हो गया। अब आपका क्या बचा, साइन एक्स प्लस ए बाय टू हो गया, ये माइनस टू बाहर था ही, नीचे टू है ये वाला, ठीक। और अब आपका क्या आ रहा है यहां पर, रूट एक्स प्लस रूट ए में आप ये हमने हटा दिया, ठीक है। ये साइन एक्स माइनस ए बाय टू और एक्स माइनस ए बाय टू आपका ऑलरेडी वन हो चुका है, तो साइन एक्स प्लस ए बाय टू आ गया, माइनस टू यहां था, टू इसके साथ मिल गया, रूट एक्स प्लस, अब यहां पर लिमिट लगा देते हैं, एक्स की जगह ए रख देते हैं, तो रूट ए प्लस रूट ए क्या होगा, टू रूट ए, टू रूट ए हो गया। तो अब पहले तो इसको हटा दीजिए, माइनस आ गया, टू रूट ओ यहां रख दीजिए। अब यहां साइन एक्स की जगह आप क्या रखेंगे, ए, तो ए प्लस ए यानी कि टू ए बाई टू साइन ए हो गया, ये उत्तर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट सवाल है सवाल संख्या 15, इसमें रूट फाइव प्लस कॉस एक्स माइनस टू वाई पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो इसमें एक्स टेंड्स टू पाई है, तो आप पाई माइनस एच रखेंगे, एक्स की जगह पाई माइनस एच रखेंगे, तो यहां रख देते हैं अंडर रूट फाइव प्लस कॉस पाई माइनस एच और आपका माइनस टू हो गया, डिवाइडेड बाय पाई माइनस एक्स की जगह रखें पाई माइनस एच का होल स्क्वायर, ओके। तो ये हो गया अंडर रूट फाइव कॉस 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, कॉस एच हो गया माइनस टू, और ये क्या बना पाई माइनस पाई तो चला गया, प्लस एच एच का होल स्क्वायर, एच स्क्वायर आ गया यहाँ पे। अब यहां तक बन गया, अब इसका आर एफ से मल्टीप्लाई करते हैं, आर एफ क्या होगा रूट फाइव माइनस कॉस एच प्लस टू और रूट फाइव माइनस कॉस एच प्लस टू, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, यानी कि फाइव माइनस कॉस एच माइनस टू, ये हो गया नीचे ऊपर ना स्क्वायर है ना, फोर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये फोर हो जाएगा। यहाँ एच स्क्वायर को आप ले लीजिए और ये हो गया रूट फाइव माइनस कॉस एच प्लस टू, ओके। तो ये क्या बना फाइव माइनस फोर बना वन, तो ये हो गया वन माइनस कॉस एच, वन इसका बता रहा हूँ केवल, वन माइनस कॉस एच कैसे लिख सकते हैं आप, टू साइन स्क्वायर एच बाय टू, तो टू साइन स्क्वायर एच बाय टू है ये, आपको क्या चाहिए एच स्क्वायर है ये, तो बाय फोर से डिवाइड कर दीजिए, फोर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये पूरा का पूरा कितना हो गया वन हो गया, टू बाय फोर हो गया वन बाय टू, इसे वन बाय टू बना। अब इसका ये बच गया ना, इसमें हम लगा रहे हैं लिमिट, एच टेंड टू जीरो है यानी कि वन होगा कॉस जीरो वन, तो अंडर रूट फाइव माइनस वन कितना होगा फोर, अंडर रूट फोर कितना होगा टू, टू प्लस टू कितना होगा फोर, तो वन बाय फोर वन बाय एट आ गया, ये है इसका होता है वन बाय एट। अब जो ये अगला सवाल है सवाल संख्या 16, इसको हम लेते हैं अगली बार, ठीक है। तब तक के शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।